हाँ जी बेटा, लेट अस डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस टुडे ऑफ चैप्टर 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. द लास्ट टू क्वेश्चंस वी हैव टू डू, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस. और आपकी कोई प्रीवियस प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ भी सकती हो मेरे से. ओके, फर्स्टली वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. हाँ जी बेटा, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. मेरे पास जो है एक स्ट्रेट हाईवे है. स्ट्रेट हाईवे मतलब एक रोड है, ठीक है, दैट लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक टावर के फुट पे ये जाके कहीं ना कहीं मिलती है. दिस इज अ टावर दैट इज गिवन टू मी. ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. अब क्लियर कट है, एक पर्सन जो है वो यहां पर बेटा खड़ा है, ओके, टॉप पे, एंड ऑब्जर्विंग ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. वो यहां खड़ा है और वो एक कार को देख रहा है. कार बेटा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता, आप जिस तरह मर्जी बना लो. अब बात की एंगल ऑफ डिप्रेशन की. मैंने आपको पहले ही कहा था अगर पर्सन यहाँ खड़ा है उसकी आई की जो रे है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे जानी चाहिए, बट उसने नीचे देखा तो एंगल 30 का इधर. जब भी डिप्रेशन का एंगल बताया जाए तो ये डॉटेड रे जरूर बनानी है. उसके बाद आप कह सकते हो दीज टू लाइंस आर पैरेलल और जो एंगल ये है वो ही एंगल ये होगा. ये बाय ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ये शो जरूर करना है. अपन नहीं करोगे तो मार्क्स कटे. अब तक जितना उसने कहा हमने ये फिगर बना दी. अब उन्होंने आगे क्या कहा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. अब बेटा ये जो मेरे पास कार है ना, ये टावर की फुट की तरफ जा रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड. अब मुझे स्पीड नहीं पता, एक ही स्पीड से जा रही है. तो अब उसने कहा 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहां कहीं 6 मेरे पास हो गए सेकेंड लेटर, वो किसी पॉइंट पे पहुंची होगी. तो वहां पर जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कार का फाइंड आउट किया गया, दैट इज 60 डिग्री. अगेन यहां पर ये पूरा 60 होगा. यू हैव टू शो दिस. ओके, अब उसने क्या कहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. वो कह रहे हैं कि 6 सेकेंड लेटर जिस पॉइंट पे पहुंचा, यहां से यहां फुट ऑफ टावर पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है. इस क्वेश्चन में मैंने टाइम कैलकुलेट करना है. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा हम क्या करते थे, डिस्टेंस निकालते थे, हाइट निकालते थे, बट ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, बिकॉज मुझे यहां पर आई नीड टू कैलकुलेट द टाइम, हाउ मच टाइम अ कार विल टेक टू रीच एट अ फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके बेटा, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो लेबल करें, ए दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. देखो ये मैंने टाइम की बात की है ना, एट टॉकिंग अबाउट द टाइम. मैं यहीं पे एक ऐसे टेबल बना देती हूँ. टेबल बनाना बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए. यहां से यहां पर पहुंचने के लिए हम ऐसा करते हैं, टाइम थोड़ा सा ऐसे आपको क्लियर पता चल जाएगा, ये यहां से, ओके, कि ये इतने टाइम की बात की है, ये इतने टाइम की, दिस इज टाइम. स्पीड, उसने एक वर्ड बोला था कि जो कार है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. आपने फिजिक्स में 10th में पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड मींस सेम स्पीड, वेरी नहीं कर रहे, एक ही स्पीड से, एक जैसा ही.
रूल फॉलो कर रही है. ओके, तो मैं मान लेती हूं लेट द स्पीड ऑफ कार दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड्स की बात हो रही है ना, तो मैंने मीटर पर सेकेंड में. दक्ष जस्ट वेट, फर्स्टली लिसन मी, आफ्टर देन आस्क द क्वेश्चन. ओके बेटा, यू जस्ट लोअर योर हैंड फर्स्टली. हाँ जी बेटा, मैंने स्पीड ले ली एक्स मीटर पर सेकेंड, फिर मैंने क्या किया, मैंने टाइम ले लिया एंड लेट टाइम द कार विल टेक, कार विल टेक टू रीच फ्रॉम सी टू डी बी दैट इज इक्वल टू 30 seconds. देखिए मैंने यहां पर लेट कर दिया कि जो टाइम है वो इसको यहाँ 30 seconds लगते हैं. स्पीड सेम ही है, एक्स मीटर पर सेकेंड, एक्स मीटर पर सेकेंड. ओके, अब बेटा आप मुझे बताइए, हम तो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टेंस की बात करते हैं, ना टाइम की बात करते हैं, ना स्पीड की बात करते हैं. मुझे यहां से यहां तक का स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है. मुझे यहां से यहां तक का स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो क्या मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ? आप में से मुझे कोई बता सकता है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड टाइम? यस दक्ष, यस दक्ष बेटा. मैम निकल सकता है, मैम टैन लगा के, मैम मैम वो ट्रायंगल, मैम पहले फर्स्ट ट्रायंगल, मैम नो दक्ष, मैंने ये नहीं पूछा बेटा. यस लक्ष्य टंडन, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप कि हम क्या करेंगे यहाँ पर. बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा. अगर आपको याद हो, आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. तो यहाँ से डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो गया. यानी अगर मुझे यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कहां से, पहले डी टू सी में डिस्टेंस सी डी या डी सी जैसे मर्जी लिख लीजिए, इसके लिए टाइम मेरे पास 6 seconds है, स्पीड मेरे पास एक्स है, तो मैं डिस्टेंस डी सी क्या लिख दूंगी, 6x. अगर मैं इधर आऊं, मैंने यहां पर टाइम टी लेट किया था, स्पीड एक्स लेट की थी, तो डिस्टेंस मेरे पास सी बी जो है वो एक्स टी हो जाएगा. ये भी मीटर्स में और ये भी मीटर्स में. यहां तक आपको बात क्लियर होगी? हाँ जी दक्ष बोलिए बेटा. मैम जो ऊपर एंगल बनाया हुआ है मैम 60 वाला, हाँ जी मैम, वो तो मैम उस पर तो मैम फिर लगेगी ही नहीं, मैम ट्रिग्नोमेट्री उस पर लग ही नहीं सकती. उसका क्या बेटा? मैम राइट एंगल थोड़ी बन रहा है वो, मैम जो ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन है. बेटा मैंने तो ऊपर वाला एंगल लिया ही नहीं, मैंने आपको ये कहा कि ये अगर एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, तो अपने आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन जाएगी, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. ये लाइन और ये लाइन म्यूट कर लीजिए अपने आप को बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप एट्थ में मेरे से पढ़े हुए हो और मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर, एक ट्रांसवर्सल के उधर और एक ट्रांसवर्सल के इधर, लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन की इधर से नीचे. मैंने तो ऊपर वाली ट्रायंगल ली नहीं, इसीलिए तो हम डिप्रेशन में वो नीचे वाला एंगल कंसीडर करते, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल नहीं बनती राइट एंगल ट्रायंगल. ओके जी, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया. आप ऐसे ही टेबल बना के करोगे, टीचर को पता चल जाएगा इसी फिगर के नीचे
कि टाइम फ्रॉम डी टू सी ये इतना है, टाइम फ्रॉम सी टू बी हमने वैसे लेट भी किया था यहाँ पर आप, तो हमें वहां से भी पता चल जाए। ठीक है, अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में आते हैं कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है। ठीक है, ये सारा लेट हो गया, हमारा सारा खत्म हो गया। अब बेटा हमने तो टाइम निकालना है, टी निकालना है। अब इस टावर की हाइट को हम लेट कर देते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर जो है वो मेरे पास एच मीटर है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पे आए, इन ट्रायंगल जो है ए बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी दैट इज टेन 60 डिग्री, एच ओवर बी सी, बी सी मैंने निकाला था एक्स टी। घबराना नहीं कि तीन तीन वेरिएबल आ गए, देखना सब कुछ कट जाएगा। और tan 60, tan 60 मेरे पास रूट थ्री होता है, एच की वैल्यू निकालो, एक्स टी रूट थ्री, मार्क दिस इक्वेशन वन। ठीक है जी, अब हम क्या करें, बड़ी ट्रायंगल ले लें। नाउ इन ट्रायंगल मेरे पास जो है ए बी डी, ए बी डी हाइट वही सेम की सेम, एच ओवर नीचे आ गया बी डी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। आया बेटा, तो अब मेरे पास जो है एच ओवर बी डी, ये पूरी बी डी कैसे कैसे ब्रेक है, बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी है, दैट इज टेन 30, आपको पता है 1/√3 होता है। अब एच ओवर बेटा बी सी की वैल्यू देखिए, हमने यहां निकाली हुई है एक्स टी और सी डी की वैल्यू 6x 1/√3। यहां से भी एच की वैल्यू निकल रही है, यहां से भी एच निकाल लो, एक्स टी प्लस 6x/√3, मार्क दिस इक्वेशन टू। ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दे। अब जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मेरे पास क्या आ गया, एक्स टी रूट थ्री इज इक्वल टू, दूसरी एच की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स टी प्लस मेरे पास 6x/√3। इस रूट थ्री को मैं उधर ले जाऊं, जब मैं लेके गई तो बेटा √3 √3 ये 3xt x t plus 6x, हमने t निकालना है। देखो यहां से x कॉमन आ रहा है तो t प्लस 6 और 3xt, ये x और x कट गया, हमें चाहिए नहीं x, वैसे भी हमने स्पीड ली थी बेटा, आई डोंट नीड x, मैंने काट दिया। तो अब मेरे पास यहाँ 3t t plus 6, इसको इधर ट्रांसपोज करो, 2t is equal to 6 और x is equal to 3 seconds, sorry t is equal to, क्योंकि उसने इस पॉइंट से टाइम पूछा था, इस पॉइंट से टाइम को मैंने t seconds ही लिया था ना, तो t आया। अच्छा अगर बाय चांस वो कहता फाइंड द टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कोई बता सकता कि कितना टाइम लगता स्टार्टिंग पॉइंट से फुट ऑफ टावर पे पहुंचने के लिए, हरी अप, व्हाट टाइम अ कार विल टेक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू टिल जो है, यस प्रिंसी मैम 3 plus 6 9 seconds, वेरी गुड, दैट इज 9 seconds। ऐसे क्वेश्चंस मोल्ड होते हैं, आपने बड़े ध्यान से, बच्चों को पता होता है अच्छा ये बुक का क्वेश्चन है, चलो जी आंसर इज 3 सेकंड, निकल गया काम खत्म, एट द एंड देखो तो सही उसने क्या कैलकुलेट करने को कहा। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट से यहां तक हमने टाइम टी लिया था, तो बेटा टाइम टी निकल आया 3 सेकंड। बट अगर पेपर में क्वेश्चन चेंज होके आपको आता फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, तो बेटा टोटल टाइम आपका होना था 6 सेकंड प्लस 3 सेकंड, दैट इज 9 सेकंड्स। ओके बेटा,
क्लियर टू एवरीवन? चले आगे बेटा, क्लियर? चलिए बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन, बट उसमें इतनी कैलकुलेशंस नहीं है, दैट इज क्वाइट इजी. बस यही सारी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो जिसमें हम कितना कुछ लेट करते हैं, बाकी सारे इजी क्वेश्चन है. ओके, तो लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन. ओके बेटा, तो अब 16th क्वेश्चन में बेटा मेरे पास हो गए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स. उसने कहा है कि मेरे पास जो है मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है फ्रॉम द टू पॉइंट्स. अब वो टू पॉइंट्स कैसे हैं, लेट अस सी. फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 meter एंड 9 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. जो पॉइंट्स लेने हैं वो मैंने कैसे लेने हैं, एक 4 meter की दूरी से बेस से, और दूसरा 9 meter की दूरी से एंगल ऑफ एलिवेशन से एक टावर. ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री को जरा अंडरलाइन कीजिए. अच्छा, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, कोई बता सकता है पहले मुझे? या व्हाट आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या हाउ कैन यू डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ओके तान्या, यस बेटा, यस तान्या. मैम जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब वो, जब दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री. ओके, वेरी गुड. हम ये कहते हैं कि टू एंगल्स का सम 90 है तो दैट एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. तब आपको एक एंगल अगर 40 है तो आप दूसरा 50 कह देते हो, एक एंगल 30 है तो आप दूसरा 60 कह देते हो. यहाँ तो कोई एंगल की बात नहीं की थी हमें. उसने कहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 meter. मुझे शो करना है, यानी आंसर कैलकुलेट करना है कि एच जो है वो 6 meter. तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये 90 हम एक एंगल सपोज थीटा मान लें, तो आप मुझे बता सकते हो अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सेकंड एंगल यहाँ क्या होगा. हरी अब बाकी बच्चे, हाँ जी, ओके, यस बिसम, यस बिसम बेटा, 90 माइनस थीटा, वेरी गुड. तो दैट मींस नेक्स्ट एंगल को हम 90 माइनस थीटा ले सकते, वो आपकी मर्जी है. आप इसको थीटा ले लो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, डजंट मैटर. अल्टीमेटली एंगल्स वही कॉम्प्लीमेंट्री ही बने, बस इतना होता है कि ये थीटा बड़ा होगा एज कंपेयर टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको मैंने आगे भी बताया था वर्टिकल लाइन के पास जितना एंगल होता है उतना बड़ा होता है, जितना दूर जाता जाता है एंगल उतना डिक्रीज करता है. ओके, यस दिव्यांश, यस बेटा, ओके बेटा. तो ए बी सी डी हम हाइट को एच ले लेते, तो सबसे पहले हम लिखें लेट टू एंगल्स डिफाइंड इन फिगर आर, वन इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा, हमने बता दिया फिगर में, नहीं तो आप यहां लिख दीजिए एंगल एट सी इज थीटा, एंगल एट डी इज 90 माइनस थीटा. ओके, नाउ लेट एंड लेट हाइट ऑफ टावर दैट इज एच मीटर, देन व्हाट यू हैव टू डू, हमें ट्रायंगल्स चूज करनी पड़ेंगी ना, जिसमें एक एंगल आ रहा है एक 90 डिग्री आ रहा है, तो क्लियर कट जो है इन ट्रायंगल ए बी सी एच ओवर बी सी दैट इज टैन थीटा, हमने तो एच निकालना. अब बी सी मेरे पास कितना है बेटा,
दिस इज फोर, तो हम क्या करें, यहाँ एच ओवर फोर। अभी देखते हैं हमने एच लेना है कि टेन थीटा की वैल्यू, मेरे को तो पता क्या लेना है, बट आपके लेवल तक मुझे सोचना है ना। अभी मैं इसको इक्वेशन वन ही मार्क कर देती, फिर आगे बताते हैं, देखते हैं कि कैसे करें, ठीक है। अब बड़ी नेक्स्ट ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी डी, एच ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा, एम आई राइट? अब मुझे कोई बता सकता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया है? हाँ जी विषम, ओके दिव्यांश, चलिए दिव्यांश विल टेल मी दिस टाइम, यस दिव्यांश, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो दैट मींस हम यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉट थीटा लिख सकते, यहाँ H over BD, पूरी बेटा मेरे पास कितनी है 9। हाँ बेटा तेरा देखिए, मेरे पास जो है हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, अगर देखें यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है, हम किसी एक की वैल्यू एक में सब्स्टिट्यूट कर दें वो हमारे लिए इजी नहीं होगा। हम क्या करें, टैन यहाँ दिया, यहाँ से कॉट की वैल्यू निकाल लें, आपको पता है कॉट वन बाय टैन होते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो फोर बाय एच, इसको यूज कर लेते हैं, ये भी कॉट की वैल्यू, ये भी कॉट की वैल्यू, मार्क दिस इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम वन एंड स्टार, सॉरी टू एंड स्टार, इसको टू लिया उसको स्टार लिया, तो दोनों में कॉट की वैल्यू है, तो h बाय 9 इज इक्वल टू 4 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इंप्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, प्लीज नोट इट डाउन, h इज प्लस माइनस 6, यहां पर इसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, बट क्या कभी हाइट नेगेटिव होती है, रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन एज height can never be negative, mention जरूर करना, तो therefore h is equal to 6 meter, therefore height of tower that is 6 meter, clear बेटा, any doubt to anyone, any doubt बेटा, कुछ पूछना चाहते हो यहाँ पर, यू कैन आस्क मी जल्दी जल्दी, यस राइना, हाँ जी बेटा, मैम 4/h कैसे आया, 4/h कैसे आया, देखिए बेटा अगर टेन थीटा की वैल्यू h बाय 4 है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, ये 1/tan थीटा हो गया 4/h, आपको पता है 1/tan क्या होता है, पता है रहे ना, हाँ जी अनम्यूट कीजिए, यस रायना, कॉट थीटा, यस, तो कॉट थीटा की वैल्यू अपने आप क्या होगी 4/h, मैंने रेसिप्रोकल किया, ओके ओके, हाँ जी एनी अदर डाउट टू एनीवन, यस दक्ष, हाँ जी बेटा पूछिए, मैम इसके बारे नहीं है, मैम जो एमसीक्यू वाला मैम पेपर आना मैम नवंबर में, मैम उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते मैम, फिर वो क्यों नहीं आ सकते, वहां पर जो प्रूफ करने वाली ऑप्शन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और वैसे भी हमें तो अभी ये पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर कौन सी टर्म में है ना, Nobody knows this. अभी CBSE when they will send, तो तब तक तो हम जैसे पैटर्न आगे चलता है हम उसके अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं ना बेटा, when the CBSE will send the syllabus, then we will divide it. Okay? So हर टाइप का क्वेश्चन, किसी भी जब आप NTSC के क्वेश्चन देखते हो ना उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको हर तरह से हम प्रिपेयर करवा रहे हैं,
सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट. ओके यस आर्यन,